2023 में हम जानेंगे कि प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए यह 2023 जो होता है किस प्रकार का रहने वाला है, यहाँ पर किस तरह की वैकेंसीज आने वाली हैं और कितनी हायरिंग होगी। तो ये मैंने एक रिसर्च किया और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हायरिंग रहेगी। तो दोस्तों, जहाँ पर वर्ल्ड में जो होता है बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है, अभी अमेजन ने लगभग 18,000 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालने के लिए बोला है, वहीं पर दोस्तों इंडिया में जो होता है हायरिंग ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए। जनवरी से लेकर मार्च तक जो है हायरिंग जो है सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, मैन पावर आउटलुक सर्वे, और इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया की 3,000 कंपनीज पर ये सर्वे किया गया था। तो ये सर्वे में बताया गया है कि जो 48% जो है कंपनियाज ने कहा है कि वो यहाँ पर हायरिंग करेगी। एक बहुत अच्छी बात है कि लगभग 50% कंपनी जो है उसमें हायरिंग होगी। फिर उसके बाद 34% ने कोई भी हायरिंग नहीं होगी, और उसके बाद 16% ने हाँ या ना, यानी 50% चांस है कि यहाँ पर हायरिंग होगी। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट निकल के आ रहा है 32%, यानी कि 100 में से 32 लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगभग 41 कंट्रीज़ का जो है एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ है, जिसमें जो है इंडिया जो है टॉप 5 पर आ रहा है, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हायरिंग होने वाली है। और प्रशांत रीजन की बात करेंगे तो इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। सबसे नंबर 1 पर जो है वो सिंगापुर है, और वर्ल्ड में जो है पनामा जो है सबसे नंबर 1 पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा हायरिंग होगी। तो इंडिया पर जो है सेकंड नंबर पर है। अब यहाँ पर इंडिया के एरिया वाइज हम बात करेंगे कि किस एरिया में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितनी जो है हायरिंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो होता है 36% की हायरिंग होगी। फिर उसके बाद वेस्ट में पश्चिम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर 32% की हायरिंग है। साउथ इंडिया में 29% की हायरिंग होगी, और ईस्ट इंडिया यानी कि हमारे उड़ीसा और कोलकाता और इस रीजन में जो है 26% की हायरिंग होगी। अब सेक्टर्स वाइज बात करेंगे तो दोस्तों सेक्टर वाइज बात करेंगे तो यहाँ पर आईटी सेक्टर अभी भी टॉप पर बना हुआ है। अभी पिछले एक साल में काफ़ी यहाँ पर ले ऑफ हुआ था, इसके बावजूद आईटी सेक्टर्स में अभी काफ़ी सारा रिक्रूटमेंट आएगा, और जो होता है इसके बाद फाइनेंस और रियल इस्टेट सेक्टर्स में हायरिंग होगी। तो दोस्तों इन सेक्टर्स में यदि आप अच्छी स्किल्स रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।